सुनने में। गोविंद राम की कई मंजिला बिल्डिंग जो है वो भी अब लूटा भैया लूटा जल्दी लूटा वोट की संपत्ति को लूट डालो कब्जा कर लो भैया सीमेंट लाओ बालू लाओ मोरंग लाओ गिट्टी लाओ और ऊपर से सरिया लगा खड़ा कर दो लेंटर डाल दो कब्जा कर लो वाह भैया वाह कोई नहीं बोलेगा। अब जब से भैया वोट के सेक्रेटरी बदले तुरंत नोटिस जारी करवा रहे सर वाली चच्चा मिल गया हमको बेचारे बहुत परेशान नहीं बता रहे थे कि देखो भैया वोट की संपत्ति छोड़ने तक को तैयार नहीं बताई जरा ये भी कोई बात हुई ये वो संपत्ति होती है जिसको ना कोई खरीद सकता ना बेच सकता है उसके बावजूद भैया किरायेदार जो है मकान मालिक बन रहे हैं कब्जा कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैनों कब्जा कर रहे हैं भैया गोविंद राम तक का नाम है कि बताओ भैया वोट की किरायेदार है बहुपकता संपत्ति पर कब्जा करके तीन तीन मंजिला मकान खड़ा कर ली है सुनो कारदार सर वाली चच्चा शिकायत करने डीएम साहब से तो जहां जहां वैध कब्जा हो रहा था उसको रुकवाया जा रहा है देखा तो गिट्टी मोरंग सब ला करके कुरेद ही ने जागरण ऑफिस के बगल में देख लो ये छीछा लेते मचाए पड़े फिलहाल सुनो कारदार सर वाली चच्चा चच्चा अभी आपने जिलाधिकारी शिकायत की है क्या मामला वैध कब्जे को लेकर के। दरअसल 2022 मार्च को मुझे वक्त नवाब अमजद अली खां का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। मैं सरवर अली रिजवी असन नगर दशहरा बाग निवासी। मुझे जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैंने क्षेत्र में जायजा लिया तमाम ऐसी दुकानें हैं जिनको वहाँ पर मलबा दिखाकर किराएदारी पर शो किया गया था लेकिन उसका भी किराया लोग जमा नहीं कर रहे थे तो हम लोगों को सूचित किया नोटिस दे देकर ताकि वो अपना किराया जमा कर सकें लेकिन लोग जो हैं वहाँ पर किराया जमा करने के बजाय इधर उधर से दांव पेश करके फर्जी रजिस्ट्री कराने के जुगाड़ में लगे। इस समय पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने दैनिक जागरण का कार्यालय है उसके पास में तमाम मटेरियल पड़ा हुआ और दूसरी साइड फैजाबाद रोड जो अयोध्या रोड कहलाती है उसमें सीम ऑफिस सामने भी मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है और अंदर पीछे कार्य जो है जारी था तो हमने जीएम साहब से और डीएम साहब से शिकायत की। एसडीएम साहब ने तत्काल प्रभाव पर काला फोर्स लेकर जाओ उसे रोक दो। फिलहाल जब मैं पहुंचा तो वहां कार्य रुका था। अब इस समय रात बिरात चोरी से काम कर ले तो बात अलग है लेकिन इस समय शासन प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। अगर ये बोर्ड की संपत्ति कहां से कहां तक की दुकानें हैं? ये कोतवाली के सामने से लाजपत नगर पूरा रमना के नाम से है और डॉक्टर उमर चौराहे से लेकर लैया मंडी तक ये जिसमें राज मेडिकल स्टोर और तमाम दुकानें आती हैं बेगमगंज वगैरह ये सारी इसी में संपत्ति आती है नवाब अली खान के नाम से। तो ये सब किराया देते हैं? इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराएदारी अभी नहीं दे रहे हैं उनको नोटिस दी गई है और अवैध निर्माण के लिए भी उनको रुकावट के लिए भी हमने एप्लीकेशन दी है और सूचित कराया है वक्फ बोर्ड को भी ताकि इन पर हमको लगाया जा सके। ये बोर्ड ये संपत्ति किसकी थी जो बोर्ड मिल रहा ये वक्फ जो है नवाब अमजद अली खान ने इसे संपत्ति को वक्फ किया था। क्या होता है ये वक्फ? इस तरह से है कि जैसे कि कोई अपनी संपत्ति ईश्वर के नाम दान कर देता है और ईश्वर पीछे न रजिस्ट्री करने आता है ना उसे इसीलिए उसे न खरीदी जा सकती ना बेची जा सकती है। और इसके इनके पैसों का होता कहाँ यूज़ का होता है? ये जो है जो उनकी संस्था में जैसे मस्जिद है इमामबाड़ा है या गरीब बेवाएँ हैं इन लोगों के कार्य में इस निधि को खर्च किया जाता है उनका सहयोग किया जाता है जिस बिरादरी के जिस पक्ष में ये वक्त किया जाता है उनके लिए इसको खर्च में इस्तेमाल किया जाता है। बताओ भैया सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बुलडोजर चलवाया जाएगा यहाँ तो वह वोट की संपत्ति पर कब्जा हो रहा जो ईश्वर के नाम पर दान कर दी जाती है ऐसी संपत्ति पर कब्जा हो रहा बड़े बड़े लोग कब्जा कर रखे बिजनेसमैन तक कब्जा कर रखे जिनका नाम भी सामने आ रहा आरोप भी लग रहे हैं उन पर। अरे साहब कम से कम बकाया वाला पैसा तो दे दो। एक गोविंद राम जी है भैया उन पर भी आरोप लग रहा था। सुनो सरवली चच्चा का बता रहे थे कि तीन मंजिला मकान खड़ा कर दी ने भैया अभी तक पैसा नहीं दे पाए हैं। सुनने में गोविंद राम की कई मंजिला बिल्डिंग जो है वो भी वक्फ की संपत्ति में है और वक्फ के किराएदार हैं जो कई वर्षों से किराया नहीं अदा कर रहे हैं इस तरह के से अपने मकान मालिक बन बैठे हैं जबकि वो भी वक्फ संपत्ति के किराएदार हैं। अच्छा उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर घर भी बना लिया? हाँ घर बना अवैध रूप से उनका बिल्डिंग बनी हुई है उनका कोई परमिशन वक्फ बोर्ड से नहीं लिया उसके बावजूद भी उनकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो इतने बड़े करोड़पति आदमी वो भी कब्जा करने के लिए वो करोड़पति होंगे लेकिन वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं जिसका किराया भी नहीं अदा करते मतलब किराएदार है जी। हाँ बताओ भैया इनके किरायेदार है उम्मीद करेंगे गोविंद राम जी सुनेंगे भैया और कम से कम अपना बकाया किराया देंगे। अब आपकी कारागम की जगह वीरू शेखरा खत्म जरूर साहब को मिलेगी दवा दबा लंग के और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने कहा आपको दिखा दे कि 12 बंकी जी भैया देख लो वह वोट की इतनी बड़ी संपत्ति को जानते नहीं रहे हम आज जाने भैया तो हमने कहा आपको सुना दे कि देखो सबके सब कब्जा कर रखे और बताते हमारा मकान है हमारा घर है।